बाकी है बट वेलकम डीटी आर्मी। तो क्या हाल चाल है आप सभी के, एक बार कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल बात करें आज की वीडियो की, तो इसमें खतरनाक गेम प्ले है और साथ ही साथ एक छोटी सी इन्वेंटरी वीडियो, जो कि कुछ दिन पहले मैंने आपको बोला था कि अगर 1500 लाइक हो जाते उस वीडियो पे, और बिल्कुल आपने करा भी, जो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो उसी बात पर मैंने बोला था ना कि इस वाले अकाउंट का इन्वेंटरी वीडियो लाऊंगा, तो आज लेके आ चुका हूँ। इस अकाउंट में फेरो है, किलफीड वगैरह सब आती है फेरो की, और उसके बाद ब्लड रेवन भी है पर वो लेवल 1 है। और उसके बाद जोकर सेट आप देखो, जोनाथन जो भाई कपड़े पहनते अपने वो भी है, मॉर्टल की ड्रेस भी है, सारी चीजें आप देखो आराम से। इसके बाद इंट्रो में जो भी सारे सीन आपने देखे ना, वो आगे गेम प्ले में होने वाले हैं। मतलब इतना खतरनाक गेम प्ले ना, मेरे को मजा आ गया था खेलते हुए, तो समझ सकते हो कितना खतरनाक होगा। तो देख ली इन्वेंट्री वीडियो कैसी है, कैसी लगी आपको एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। फिलहाल आ जाते हैं हम गेम प्ले पे। ये गेम प्ले सही बोल रहा हूँ भाई, जब हमको मज़ा आ जाता है ना गेम खेलते हुए, तो हम समझ सकते हैं या फिर आप भी समझ सकते हो कि किस लेवल का ये गेम गया होगा। फिलहाल उतरते हैं हम लोग अपार्टमेंट, और यहाँ पर बहुत सारे बंदे हैं। एक डायलॉग तो बनता है, गोलमाल जैसी फिल्में बनाता है रोहित शेट्टी। वाह वाह वाह, गोलमाल जैसी फिल्में बनाता है रोहित शेट्टी, और जो टुकुर टुकुर करके देखेगा उसकी बनाऊंगा मैं पेटी। वाह वाह, का शायरी है, का शायरी है यो। छोड़ो यार, अब यहाँ पे मेरे दो बंदों की पेटी बना दी, अपार्ट्स में भी और बंदे, तो देखो हम उन सभी को कैसे मारते हैं। भाई तेरी शूटिंग में देखो, रहा है नीचे से
कभी भी अगर आप पे पूरी स्क्वाड रश करती है ना, तो एक बात ध्यान रखना, मारो सीधा हेड, कर दो स्क्वाड ओल्ड हेड, समझ रहे हो? बिल्कुल हेड कनेक्ट किए, यहाँ पे पहले बंदे का भी हेलमेट उड़ा, लास्ट वाले बंदे का भी हेलमेट उड़ा, आवाज आ रही थी कि नहीं, मजा आ रहा था कि नहीं हेलमेट उड़ते हुए देख के? मेरे को तो बहुत ज्यादा आ रहा था। फिलहाल यहाँ पे पूरी टीम की पेटी मैंने बना दी, उसके बाद और बंदे, अभी बंदे खत्म नहीं हुए पूरे अपार्ट्स में, भाई पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल के आ रहे हैं। रहा कवर में पीछे से आ रहा कोई, बोट है उधर क्या? पता है भाई भी वो रिवाइव हो जाएगा बाहर। जिस तरह से खाने में हल्का सा नमक डाल के उसके टेस्ट को बिल्कुल निखारा जाता है ना, उसी तरह से मैंने लास्ट वाले बंदे को मारते टाइम हल्का सा क्राउच का इस्तेमाल कर लिया और यहाँ पे बंदों की पेटी बना दी। इसी के साथ अब जो पूरा का पूरा पार्ट्स खाली हो जाता है तो हम लोग यहाँ से निकलने लग जाते हैं। एक बोट आता है उसको मार के जैसे निकलने लगते ना, तभी हमारे टीममेट्स के ऊपर रश होता है, एक पूरी गाड़ी का, मतलब गाड़ी होती है उसमें पूरे 4 बंदे होते हैं। और देखो ये वाली फाइट काफी खतरनाक इंटरेस्टिंग है। अबे गाड़ी आ गई 4 बंदों की। यहाँ पे मेरे टीममेट ओपन में फंस चुके थे तो मेरे को कवर फायर देना बनता था, क्योंकि अगर कवर फायर नहीं दूंगा तो बंदे मार सकते टीममेट्स को। तो यहाँ पे देखो आगे आता हूँ, देख रहे हो डैमेज कितना दे दिया सामने वाली टीम ने, मतलब काफी सही खेल रही है, इतना मैं समझ चुका था। तो मैं सोचता हूँ यहाँ से पीक ना करके अपन थोड़ा लेफ्ट से एंगल ट्राई करते हैं, पर भाई तभी देखो क्या होता है। अरे रे, नेड आ गया। मैं कर रहा हूँ रिवाइव, तू को डिटेशन वाली वही रुक। अरे ड्यूटी पुश आ रहे हमारे साइड से, संभाल ली थोड़ा आगे लोग दे। ये लो फर्स्ट एड। अरे होगी मेरी हेल्थ, होगी मेरी हेल्थ, होगी देखो आप अपनी कर लो, 75 होगी मेरी, कर लो एक बैंडेज मार दो मेरे को, क्या मैं रेडी हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो चुका था, समझ नहीं आ रहा था बंदा किधर से आएगा, पर एकदम से निकलता ही और लो थाई में, और यहाँ पे इसने नॉक कर दिया। फिलहाल टीममेट जाता है उसको मारने। फाइनली लास्ट बंदे की पेटी बन जाती है, शायद से मैंने यहाँ पे 3 बंदे मारे थे तो बिल्कुल मेरे को किल भी मिल चुकी है सारी की सारी। तो गाइज अगर ये वाली फाइट आपको पसंद आई, हम लोग यहाँ पे सर्वाइव किए, वो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो सारे दोस्तों के साथ। और अब जाके अपार्ट्स खाली हो चुके हैं ऐसा हमको लग रहा था, तो हम बिल्कुल गाड़ी लेने के लिए आगे बढ़ते, पर भाई तभी सामने से एक US आ रही होती है। वो तो अच्छा हुआ जब US पास से गई तो मैंने जंप करके खुद को बचा लिया, नहीं तो बंदे कुचल के जाते, पेटी बनना तय थी। पर अभी तो मैंने स्प्रे मार के एक बंदा नॉक कर दिया, तो हम फटाफट से क्लोज इन करते हैं। पर भाई इन बंदों पे रश करना ना इतना आसान नहीं होगा, मतलब क्या ही कैंपिंग करेंगे आप देखो यहाँ पे। देख रहे हो आप लोग मतलब किस लेवल की कैंपिंग कर रहे हैं दोनों बंदे, दोनों क्या है एक एक साइड में बैठे हैं और हम यहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहे हैं और बाहर जा नहीं सकते, ट्रिक लगा नहीं सकते, क्योंकि स्कूल की तरफ से भी हमको पढ़ सकते हैं तो वो भी रिस्क है। तो हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे वेट करते हैं।
अब वेट तो हमने काफी देर तक कर लिया, कुछ नहीं हो रहा था, कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा था, टाइम वेस्ट रहा था फोकट का। तभी जो अपार्टमेंट में टॉप बिल्डिंग से फुटस्टेप आती है, मतलब यहाँ पे भी बंदे आ चुके हैं, पता नहीं है कोई दूसरी टीम है। टेरेस पे की सड़ रहा है अपनी लेफ्ट, तो मूव कर लेग साइड। कोई कर रहे हैं ये तेरा दिमाग खराब हो रहा है। नीचे आ रहा है, सीढ़ी में बैठा, कोई सीढ़ी में बैठा है ऊपर। क्या आपने मेरी एचपी देखी थी? ले फर्स्ट एड ले। ओके ओके, मर गए, मर क्यों नीड से। जिस बिल्डिंग में पहले हम बंदे छोड़ के आए थे ना, उन्हीं बंदों में से एक ने बम फेंका, इस वाले बंदे की पेटी बन जाती है। फिलहाल हम सेफ है और हम लोग आराम से लूट करने लग जाते हैं और फिर से कोशिश करते हैं कि इन बंदों को कोई तो एंगल निकाले। पर भाई ये बंदे इतने बड़े वाले ना, बिल्कुल भी कोई भी पीक नहीं दे रहा था, पता नहीं पूरे पक्के कैंपर्स ही थे ये। गाड़ी लेके जा रहे हैं, गाड़ी लेके जा रहे हैं। एक उतार दिया मैं, रिवाइव होने के लिए जाएगा ये, वो बुलाएगा देख समुक करके, तू मेरे पास आ जा। नहीं। लो भैया टीममेट की किल चोरी हो गई, स्कूल से बंदों ने मार के किल चुरा ली। अब सामने एक बंदा बचा, तब पर हम लोग देखते हैं जोन आने वाला है और छोटा हो चुका है, तो पहले जोन में जाते हैं क्योंकि इतना अच्छा गेम प्ले जा रहा था, किल्स हो चुके थे तो मिस नहीं कर सकते, कोई रिस्क नहीं ले सकते जोन के बाहर, क्या पता क्या हो जाए पेटी बन जाए। तो हम लोग साइड से थोड़ा निकलते हैं और आप पहुंचते हैं पोचिंग की में और यहाँ पे होती पूरी की पूरी स्क्वाड। तो अब ये वाली फाइट बिल्कुल देखना, स्किप मत करना। पक्का बता रहा हूँ इस वाले बंदी की फट गई होगी क्योंकि इसने अभी अभी चका था खतरनाक क्राउचअप के साथ जिगल मूवमेंट। अब एचपी कम थी तो मैं यहाँ पे फर्स्ट एड लगाता हूँ, तभी एक और बंदा रश करता है। मैं कंफ्यूज्ड हूँ यार, या तो मेरा एम खराब हो चुका या फिर बंदे ज्यादा ही अच्छा मार रहे हैं। इसने मेरे को फिर से 10-20 एचपी कर दिया, पर टेंशन की कोई बात नहीं है, आराम से फर्स्ट एड लगाएंगे क्योंकि एक बंदा जो ऊपर डरा हुआ बैठा है, कैम कर रहा है खतरनाक, और हम यहाँ से जा नहीं सकते क्योंकि सीढ़ी पे देख सकते हो क्या ही, मतलब ऐसी लेवल की कैंपिंग भाई बहुत पहले देखा करते थे, अब फिर से होने लगी, शायद रैंक पुशर्स थे ये लोग। तो चलो अब जो है ऊपर रश करना तो पड़ेगा, तो हम देखो एक छोटी सी ट्रिक लगाते हैं और इस वाली ट्रिक को देख के आपको पक्का पक्का मजा आएगा, बोलोगे वाह भाई क्या मारा इसको। और इसी के साथ हो चुकी है पूरी पूरी टीम वाइप। मैं नहीं जानता, अब आपको फटाफट से लाइक तो करना ही पड़ेगा क्योंकि अपन ने यहाँ पे ट्रिक लगा के इसको मारा है। लाइक हम आज का हम रखते हैं 2000 लाइक, तो फटाफट से करवा दो गाइस, शेयर कर दो वीडियो को सारे दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब नहीं कर रहा है ना आपने तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से भी करवाओ। अब यहाँ पे मैं इमोट मारता हूँ, तभी मेरा टीम मेट ये कहता है ये भाई पूरी शिद्दत से हम पे गोला फेंकने की कोशिश कर रहे थे, मुझे हल्का सा स्पॉट हुआ, भाई की बनाते अपन पेटी, इसके बाद फिर से इमोट चमकाते क्योंकि मेरे को काफी ज्यादा मजा आ रहा था, मतलब क्या ही स्कोर टाइप हो रही थी, अपने आप ही अंदर अंदर मजा आ रहा था। तो आपको आ रहा है कि नहीं बताओ यार एक बार, वैसे मैंने ज्यादा पूछ लिया, शायद आप तो तंग हो जा रहे होंगे, सॉरी गाइस। आगे बढ़ते हैं गेम में, गाड़ी आ रही है लेफ्ट से, वो भी गाड़ी आ रही, रोक सकते हो पहले कवर में से। स
सही बताऊं तो मेरा गाड़ी रोकने का यहाँ पे बिल्कुल भी मन नहीं था, पर टीममेट ने बोला तो मैंने रोक दी। और सामने इस टीम का बंदा आ चुका है जो कि बाइजन मार रहा था, और पीछे हमारे पोचिंग की में और बंदे। अब यहाँ पे मेरे को रिवाइव मिलने लगता है, तभी बम आते हैं खतरनाक वाले। तो आप लोग ये बताओ क्या हम यहाँ पे बच पाएंगे? नहीं नहीं नहीं, किस्मत देख रहे हो, दो बम फटे, दोनों से हम बच गए। एचपी हमारी बहुत ज़्यादा कम थी, टीममेट की भी कम थी, और यहाँ पे बंदा हमारे पे क्लोज इन करता है, पर पोचिंग से कोई AWM मार देता है और उस बंदे की पेटी बना देता है। शुक्र है इस बंदे का जिसने भी AWM मारी, हम फिलहाल ही बच जाते हैं। जब आप लोग छोटे होंगे तब किसी ने तो आपको बोला होगा ना कि वो देख बेटा रोड पे घोड़ा है और AWM से इस बंदे का सर मैंने फोड़ा है। ये तो लास्ट वाली लाइन मैं बोला हूँ। यहाँ पे इस वाले बंदे को हमने मार दिया, उसके बाद एक आखिरी बंदा बचा, और सही बता रहा हूँ ये बंदा गेम को ले जाएगा एंड सर्कल तक, मतलब कि हिल बैटल करना पड़ेगा मजबूरी में। देखो आप कैसे क्या सीन होते हैं आगे। जानकारी के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि आखिरी वाला बंदा जिस घर पे मार्क हुआ है ना, उस घर की छत पे चढ़ा हुआ है। अब ये बंदा नीचे आने वाला नहीं है, बहुत ज्यादा तंग करेगा ये। वो उसको marked a location कनेड कर रहा है। अच्छा marked a location इसको ले बैठा है। सुनो उसको पता है आप रेड कर रहे हो, हट गया है वो। ऑल पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसके टीम में। कहानी में आप सभी को समझाता हूँ। अब मैंने जितने भी बंदे शुरू से मारे ना, तो मेरे को बहुत सारे बंदे एक्सपेक्टेड कर रहे थे जो भी मेरे से मरे, और सामने वाले बंदे के भी टीममेट मर चुके हैं। तो वो जो एक्सपेक्टेड मेरे को कर रहे हैं वो बंदे और उसके टीममेट जो मरे दोनों ऑल पे बात कर रहे हैं। जो एक्सपेक्टेड मेरे को कर रहे हैं ना वो उनके टीममेट को बता दे रहे कि भाई ये नेड कर रहा है वहां से बच जा बच जा। मतलब सारे बंदे ऑल वाले मिलके उस बंदे की हेल्प कर रहे थे, क्योंकि सबका एक एम था, सारे बंदों का एम था कि ग्लेशियर वाले को मारना है। पर भाई मारना इतना आसान है क्या? ज्यादा नहीं बोलूंगा, फिलहाल आप लोग ध्यान दो गेम में। अब देखो जितना मैं कर सकता था उतना मैंने किया, मैंने सारी चीजें फेंक दी, कुछ भी नहीं हो रहा। बंदा पता नहीं कौन से कोने में बैठा है, और ना ही बंदा जंप मार रहा और ना ही मैं ऊपर जा सकता हूँ। अगर दरवाजे से ऊपर चढ़ने की कोशिश करी तो पेटी बिल्कुल बन जाएगी मेरी। तो अब काफी देर हो चुकी थी, यहाँ पे डेथ जोन आने वाला था। अब जो एक ही चांस बचता है हिल बैटल करने का, तो देखो आप हिल बैटल का मजा लो। और यहाँ पे अपने को मिल जाता है विनर विनर चिकन डिनर, हिल बैटल मैं जीत जाता हूँ, ऊपर वाला बंदा मर जाता है। और ऊपर वाले बंदे का नाम देख के याद आया कि इस बंदे ने थोड़ी देर पहले हमारी जान बचाई थी, जहाँ पे मैं नोक था ना तो इसने AWM का शॉट मारा था लास्ट वाले बंदे को दूसरी टीम के, फिर हमारी जान बची, तो ये वही बंदा था। तो भैया यहाँ पे हमको मिल जाता है। तो गाइस ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो सारे दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और लाइक एम कंप्लीट करवा दो गाइस, 2000 लाइक एम है तो फटाफट से करवा दो। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।